सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक ही गेम प्ले रहेगा और यहाँ पर लॉबी में देख रहे हो भाई कौन आया है। यहाँ पर मेरे को लगा था कि ये वाला बंदे से मेरी फाइट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और हर मैच में ना एक दो बंदे तो ऐसे एक्सूट वाला अपग्रेडेबल बंदा आता ही है लॉबी में। मेरे को लगा था कि शायद ये वाला बंदे से मेरी फाइट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ये वाला मैच में एक स्प्रे आप देखना भाई क्या ही खतरनाक, मैं वो वाला बंदे को उतारता हूँ, वो भी एमके से। और आप लोगों को पता है भाई एमके का डैमेज इतना ज्यादा है ना भाई, दो तीन गोली अगर एक बंदे पे कनेक्ट कर देते हो ना, बंदे की पेटी ऐसी ही बन जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये कद्दू सा कुछ यहाँ पर मैप में बना होता है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, आके लैंडिंग करता हूँ। यहाँ पर भाई किस्मत मेरी इतनी खराब है, एक बॉर्ड भी नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं बग्गी लेके स्कूल साइड आता हूँ, तभी सामने साइड मेरे को ये वाला बंदा स्पॉट होता है। अब मेरे को लगा कि ये बंदा होगा, लेकिन ये बॉट निकलता है। तो ये वाला बॉट को मारने के बाद मैं बग्गी लेके पोचिंग की साइड आता हूँ। आने के बाद यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर गाड़ी चेंज कर रहा था। ये वाला बंदे को तो इजीली मैं उतार दूँ, लेकिन इसके बाद जिस बंदे से मैं फाइट लेता हूँ ना, वो वाले बंदे के साथ क्या तगड़ा मेरी फाइट चलता है देखना। अब ये वाला बंदा जस्ट अभी किसी बॉट को मारा था, इसको मारने के बाद यहाँ पर जिस बंदे का रोटेशन आता ना, इस वाले बंदे के साथ क्या लंबा मेरी फाइट चलता है देखना। अब ये वाला बंदे को स्टार्टिंग में मैंने डैमेज दे दिया था, लेकिन ये वाला बंदा भी घूम के मेरे को गंदा डैमेज दे देता है। यहाँ पर मेरे पास मैडकिट था, मैं मैडकिट यूज कर लेता हूँ। अब ये वाला बंदा गाड़ी लेके शायद कवर में जा रहा था या रश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसको एक हेडशॉट मारा था। और यहाँ पर मेरे को लगा कि ये वाला बंदा शायद यहाँ से निकल गया होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला बंदा होता है। और जैसे मैं बग्गी लेके निकलने का ट्राई करता हूँ, ये वाला बंदा क्या गंदा डैमेज देता है देखो। अब तो यहाँ पर मेरे को भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आप जो हो जाए, ये वाला बंदे से मेरे को फाइट लेना है, आप जाना ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर पहले मैं हेल्थ वगैरह लगा लेता, और ये वाला बंदा यहाँ पर आके घर के ऊपर चढ़ गया था। अब ये वाला बंदे को नीचे लाने का एक तरीका, अगर इसके सामने आकर नेड या मौली कुछ भी कुक करेगा ना, तो ये वाला बंदा मारने के लिए आएगा। और ऐसे ही होता है यहाँ पर। अब ये वाला बंदा सामने होता, मैं जैसे नेट कुक करता हूँ, तभी ये वाला बंदा एक मौली कर देता है। फाइनली यहाँ पर ये वाला बंदे को भी मार देता हूँ। इसको मारने के बाद आप बग्गी लेके और बंदा ढूंढने के लिए इस साइड आता हूँ, और ये वाला जो लोकेशन ऐड किया ना, ये वाला लोकेशन पर हमेशा बंदा मिलता है यहाँ पर। अब ये वाला बंदा तो यहाँ से बच के निकल जाता है, लेकिन और एक बंदा मेरे को सामने साइड स्पॉट हो गया, तो मैं सीधा बग्गी लेता हूँ। बग्गी लेके सीधा ये वाला बंदे को ऊपर रश करने के लिए चला जाता हूँ। ये वाला बंदे को भी इजीली मैं मार देता हूँ। इसको मारने के बाद यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट टोकन हो गए, तो उसके पास फ्लेयर गन मंगा के मैं बीआरडीएम लेके सीधा ये वाला लोकेशन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरे को सामने साइड ये वाला बंदा स्पॉट होता है। और ये वाला मैच में लास्ट वाला जो किल है ना भाई, उसको जरूर से देखना। वो वाला बंदा भाई मेरे को मुक्का से मारने का ट्राई कर रहा था। अब इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन इसके बाद वाला जो किल है ना भाई, उसको जरूर से देखना। मैंने जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना जो स्प्रे के बारे में, तो यहाँ पर देखो आप सामने साइड से मेरे को डासिया स्पॉट होता है, मैं इसका पीछा करता हूँ बीआरडीएम लेके। और ये वाला बंदे को जो गलत उतारने वाला ना भाई, वो देख के अगर आपको अच्छा लगा ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब ये वाले बंदे को मारने के लिए सिर्फ एक सेकंड मेरे को लगता है। इसको तो मैं मार देता हूँ। इसको मारने के बाद बीआरडीएम लेके और बंदा ढूंढने के लिए निकाल जाता हूँ। और शायद से ऐसा कुछ दो या तीन दिन बच रहा होगा नया अपडेट, मतलब 2.3 का अपडेट आने में। अगर भाई बीजीएमए में आते हैं ना भाई, बहुत मजा आएगा। मेरे को तो लग नहीं रहा है कि बीजीएमए में आने वाला, तो पबजी मोबाइल में तो आएगा जरूर। और मेरे को जितना लग रहा है ना भाई, C3S9 अनलॉक तो होगा, लेकिन जो मोड अभी बीजीएमए में चल रहा है ना, वो दोबारा से रिपीट होने वाला है। अब ये वाला बंदा पता नहीं भाई किस पे स्नाइपिंग कर रहा था, पता नहीं लेट लेट कर इसको तो मैं पेटी बना देता हूँ। और ये वाला मैच में भाई मेरे साथ दो बार ग्लिच हो जाता है, एक बार तो बच गया था। यहाँ पर सामने साइड जिस बंदे से मैं अभी फाइट लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये वाला बंदा थोड़ी सी भी अगर अच्छा खेलता ना, तो मेरी यहाँ पर पेटी बना देता, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ ग्लिच हो गया था।
यहाँ पर मैंने फायर बटन पे क्लिक किया था, लेकिन होते नहीं, शायद सर्दी का टाइम चल रहा ना इसलिए मतलब थोड़ी सी जंग सा लग गया था, ठंडा हो गया था इसलिए गर्म होने में थोड़ी सी टाइम लग रहा था। अब जो भी है, ये वाला बंदे को मारने का मैं और बंदा ढूंढने के लिए सामने चढ़ जाता हूँ, तभी ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट होता है। पता नहीं ये वाला भाई तो BRDM को मार ही जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला बंदे को मारने का था। अब जो लास्ट वाला बंदा बच रहा था ना, इसके साथ देखो क्या सीन होता है। अब यहाँ पर BRDM लेके मैं ढूंढ रहा था भाई, बंदा मेरे को मिलता ही नहीं है। अब मेरे सामने साइड एक पत्थर होता है, मेरे को लगा कि यहाँ पर ये पत्थर के पीछे होगा, लेकिन बंदा यहाँ पर ही होता है। अब यहाँ पर ये वाला बंदा क्या सीन करता है देखो। अब ये वाला बंदा मुक्का से मारने का नाकाम कोशिश करता है, लेकिन होता ही नहीं है। तो ये वाला बंदा को मारने का बाद यहाँ पे मेरा 16 किल के साथ चिकन डिनर हो गया, तो यहाँ पर प्लस कितना मिलता है देखना। और ये प्लेटिनम 4 का टायर का गेम प्ले है। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर कर लेना। मैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।